सलीम भाई, ट्रॉफी कैसी लगी आपको? ट्रॉफी कैसी लगी आपको पीएसएल? मुझे तो अच्छी लगी, लेकिन जितनी आपने तारीफें की मेरा तो लग रहा था कि आप जाके कहेंगे लाओ मुझे दे दो ट्रॉफी। वी मीन बिजनेस। ट्रॉफी है भी जबरदस्त, और वो जब सेठी साहब जब आए थे तो उनके आने के बाद यही ख्याल था कि इस तरह की चीजें सामने आएंगी। फिर रमीज राजा का एहसान मानी का अपना स्टाइल था, और रमीज राजा खास तौर पे वो क्रिकेटिंग चीजों पे ज्यादा थे कि यार क्रिकेट में शो अच्छा होना चाहिए। उन्होंने बजट भी कम कर दिया था ओपनिंग सेरेमनी का भी, और इस तरह की चीजें भी कम कर दी थी। अजम सेठी का स्टाइल अलग है, वो कहते हैं कि जी हाइप बनाओ और इस तरह की एक्टिविटीज करो ताकि जरूरी है। मैं पर्सनल राय अगर दूं तो जरूरी है, और कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए, और इसमें हमारा कल्चर भी है, हमारी हिस्ट्री भी इसके अंदर कुछ ना कुछ उसका भी एक एंगल नजर आ रहा है। बिल्कुल। और रमीज राजा साहब ने वैसे जो बजट बचाया वो लगाया कहाँ पे ये हमें नहीं पता, बचाया अगर कुछ तो पीछे में जूनियर लीग में लगाया था ना, जूनियर लीग में लगाया था ना, उड़ाया था बल्कि उड़ाया था। ठीक है, अच्छा तो अब वैसे अब पीएसएल 8 चूंकि काफी हद तक शक्ल सामने आ गई है, और पहला मैच भी हमें पता है इट्स गोइंग टू बी लाहौर वर्सेस मुल्तान। हाउ यू सी? जबरदस्त मैच है, और शाहीन भी फिट होकर आ रहे हैं, एक तरफ रिजवान भी है, और रिजवान की कोशिश यही होगी कि बदला चुकाया जाए जो हारे थे फाइनल, और उसी मैच से पहले मैच से ये एक अच्छा इंशाल्लाह माहौल बन जाएगा। बल्कि माहौल तो बन चुका है, जिस तरह से वो तकरीब हुई एक मुनफरिद अंदाज में ट्रॉफी को लाया गया, जिस तरह आपने मंजर पिटी की थी, तो लोगों में एक इश्तियाक तो बढ़ चुका है पीएसएल का, वो तो हमेशा से होता है। और जो पहला मैच ही इतना अच्छा होगा उसमें एक तो अच्छी परफॉर्मेंसेज भी सामने आ गए, तो फिर तो अच्छा। सलीम साहब, जो आपने भी हाइप की बात की है, पहले आपकी और हमारी जब डिस्कशन हुई थी आपने कहा हम भी इस बात पे, हमारा भी कंसर्न था कि जो पीएसएल की हाइप होनी चाहिए थी वो नहीं है। आपको लगता है ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं जैसे शालिमा के अंदर ये इनको रोनुमाई हुई है इस ट्रॉफी की, उसके अलावा दीगर छोटी मोटी एक्टिविटीज, हम किट्स की रिवीलिंग के हवाले से बात करें, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, आप इससे हाइप बनी है, और जो पीएसएल अजम सेठी साहब वाला पीएसएल था वो हमें देखने को अब हो रहा है, उसमें जो थ्रिल और एक्साइटमेंट है? हाइप आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गई है, लेकिन असल हाइप बनेगी जब आप देखेंगे कि शाहीन आफरीदी दौड़ता हुआ आ रहा है बॉल करने और मोहम्मद रिजवान उसको फेस कर रहा है, वहां से हाइप बनना शुरू होगी जब हम अपने क्रिकेटर्स को देखेंगे कि इंटेंसिटी बहुत होती है पीएसएल के मैचेस में, और बिल्कुल इंटरनेशनल मैचेस वाला माहौल होता है। आप देखिए लड़ाइयां भी होती हैं, शाहीन की सरफराज से भी लड़ाई हुई है, और भी बहुत सारे। लेकिन इस दफा मेरा जो अहम वेन्यू है आपका शहर कराची, हमारा भी है लेकिन आप चूंकि रहते हैं वहां पे इसलिए आपका कह रहा हूँ, उस पे लोग इंटरनेशनल मैचेस सलीम खालिक साहब नहीं देखने आए, क्या आपको लगता है कि वो पीएसएल देखने आएंगे लोग? इमरान, बड़ा अच्छा आपका सवाल है, लेकिन आप अगर मुल्क की मईशी हालत देख लें तो वो काफी खराब है, उसके आम आदमी पे बहुत असर पड़ा है। अगर एक मैच देखने किसी को जाना हो तो टिकट खरीदने के साथ उसको फिर आने जाने के किराया, खाने पीने का 25 चीजें करनी पड़ती है। मेरा ख्याल है इसका कोई ना कोई असर पड़ेगा, और फिर टिकट के जो रेट्स हैं जो मैंने देखे थे वो भी थोड़े ज्यादा हैं, तो हमें फौरी तौर पर ये नहीं समझना चाहिए कि कराची में हाउसफुल होगा। मुल्तान के हवाले से मैं कह सकता हूँ वहां पे लोग फुल आएंगे, कराची में शायद शुरू में ग्राउंड पूरा भरना मसला हो, और अब तो सेठी साहब ने ये भी कहा है कि एजाजी टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। वैसे कल एक लेटर बड़ा गर्दिश कर रहा था कुछ आम शख्सियत के हवाले से जिन्होंने टिकट्स एजाजी टिकट्स मांगे हैं विदाउट नेमिंग द इंस्टीट्यूशन एंड पीपल, क्या उसमें कोई हकीकत है आपके इल्म में है? मुझे नहीं पता, आप नजर से नहीं गुजरा कि चले, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कंट्रोवर्सी बिकॉज़ इट्स रिलेटेड टू जुडिशरी। किस तरह की चीजों में मैं कहता हूं मुझे नहीं पता। आप सही कह रहे हैं। ओके, वैसे कुछ हद तक आंसर आपका मिला मुझे, ठीक है। सलीम भाई थैंक यू वेरी मच, थोड़ा सा मुख्तसर है लेकिन बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया, और इस आम मौजू पे क्रिकेटिंग फीवर जो है पाकिस्तान के अंदर हीट बढ़ने वाली है बिकॉज फेब्रुअरी इज हियर एंड फेब्रुअरी इज हियर इट मींस पीएसएल इज हियर, और पीएसएल शुरू होने वाला है 13 तारीख को, एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम अमेजिंग काइंड ऑफ क्रिकेट मैचेस। अल्लाह करे अच्छे अच्छे मैचेस होंगे, इनफैक्ट हमें इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे।